हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। जब मैं 18-19 साल की थी, मैं इतनी मोटी और इतनी चबी रही करती थी कि मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे घर के सामने पार्क होता था, सो मेरे घर वाले मुझे पार्क में धक्का दे देते थे, रन, भाग इधर, भाग। मैं पागलों की तरह भागती थी, घर आके मेरी मम्मी को मेरे पे तरस आता था, वो मुझे 2 से 4 आलू के परांठे खिला देती थी। तो वो वेट लूज हुआ नहीं, वेट गेन पे गेन चलता चला जाता था। सो अब पॉइंट ये आता है कि मैं मिली यश से। सो यश मेरे पहले क्लाइंट नहीं थे, वो यूट्यूब से मेरी डाइट करते चले जा रहे थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बात करी, सो उनका एनरोलमेंट हुआ एंड वो मेरे क्लाइंट बने। एंड टू बी ऑनेस्ट, छोटा सा बच्चा, 19 साल का बच्चा है ये, बहुत ही समझदार बच्चा है। एंड इन्होंने लूज़ करा अपना 57 kgs। टीनेजर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो ना जब मोटे दिखते हैं, जब अच्छे नहीं दिखते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना बड़ा डाउन हो जाता है। और जब वो पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए जाते हैं या फिर उनको लगता है कि चलो यार कॉलेज जाना है या फिर आगे जॉब करनी है या फिर कुछ भी पढ़ाई करनी है आगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डगमगाता रहता है। मैंने ये चीज़ बहुत अपने करियर में नोटिस करी है कि जितने बच्चे मेरे पास आते हैं टीनेजर्स, और जब वो वेट लॉस कर लेते हैं, वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। उनके कपड़े पहनने का तरीका, फॉर्मल्स पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, ईटिंग हैबिट्स, फूड की चॉइसेस, कि उनको क्या क्या चीज़ें पिक करनी है खाने के लिए अगर वो बाहर है, क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी है, उनको लोगों को नो कहने आ जाता है। इतना छोटा सा बच्चा लोगों को नो कह देता है कि नहीं, ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा या मैं तो नहीं खाऊंगी। जिस तरीके से वो लोग बोलना चालू कर देते हैं, जिस तरीके से उनका प्रेजेंट यू नो कपड़ों का पहनने का तरीका हो जाता है, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो अमेजिंग होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, टीनेजर्स होंगे, उनके हाथ में या तो पॉपकॉर्न होगा या उनके कमरे के कहीं ना कहीं खोपचों में, कहते हैं ना खोपचा बना लेते हैं हम लोग, मेरा भी खोपचा था, कमरों के छोटे छोटे खोपचे होते हैं, वहाँ पे वो लोग चिप्स रख देते हैं या फिर अपने चॉकलेट्स का सामान रखते हैं या बहुत सारे जंक आइटम्स रखते हैं, क्योंकि घर वाले तो चित्र मार रहे होते हैं कि भैया वेट कम करो, वेट कम करो। सो पॉइंट इज कि सबसे पहले आप लोग उठो इस वीडियो के बाद, अपने खोपचों को क्लीन करो और ये चीज़ें किसी को दे दो अगर आपके कमरे में कहीं ना कहीं छुपा छुपा के आपने रख रखे हैं। एंड अपनी खाने की हैबिट्स बदलना चालू कर दो, तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरी वीडियो देखकर चुपचाप बैठ के दोबारा मोमोज और चिप्स मुंह में डालने से कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी का नहीं होगा। नाउ पॉइंट, हम बात करते हैं यश। यश का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक दिया है इन बच्चे को, बहुत सारे कमेंट्स है कि इनका डाइट शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ आप इनका डाइट कीजिए, समझिए किस तरीके से इन्होंने वेट लॉस करा, और मैं चाहती हूँ आप भी उस तरीके से कीजिए। सबसे बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप लोग ना कुकिंग खुद से करना चालू कीजिए। आपका खाना बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको आपका खाना बनाना नहीं आएगा, आप को डाइट कर ही नहीं सकते। अगर आपका खाना बनाने का सिस्टम किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होगा, आप डाइट नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, आपको डाइट करने के लिए आपका कुकिंग आना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी नलायक लोग होते हैं ना यार, कुकिंग के बिना बता दे क्या पतला हो सकते हैं, बाहर जाओ मोमोज और मैगी खाओ और पतले हो अपने आप ही। सो पॉइंट इज, यहाँ पे हम बात करते हैं यश का डाइट, बट उससे पहले मैं यश की एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। यश की डिटेल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हम पोस्ट करेंगे संडे को, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें कुकिंग भी है और मेरे को रेसिपीज भी बतानी है, डाइट भी बताना है। सो पहले हम सुनते हैं यश को, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, आई एम यश जैन, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज 140 kg एंड नाउ आई एम 82 kg। आई हैव लॉस्ट 58 kg in total, and all this was possible because of Suman ma'am. I am very grateful to her. Before, I used to have dark skin complexion with acne. My hair quality was not good. I had constipation. I had vitamins deficiency. I had severe health issue, which are all now resolved because of Suman ma'am. Now I have good skin, good hair, better complexion. I don't have constipation. My vitamin deficiency was cured. I have good health only because of Suman ma'am. There was a time I went off the track in my weight loss journey, but because of push off, I was able to lose weight. I am ever grateful to her. I am very thankful to her. She added colors to my life. I can't explain the importance of Suman ma'am in my life. She is my mentor, my guide, my teacher, my everything. She had made my life heaven on the earth, and she gave a new direction of my life. Thank you guys. Welcome back, Ji.
सो अब हम बात करते हैं यश का डाइट। अब यश के साथ में 3-4 चैलेंज मैंने नोटिस करे थे। पहली चीज़, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। पढ़ाई वाला बच्चा है और ट्यूशंस भी जाता है, पढ़ाइयाँ भी करनी है और उसके साथ साथ उसका दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि उसके एक्ने बहुत थे और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन था वो काफ़ी डार्क था, और मैं चाहती थी वो अपने लुक्स पे भी सीधा सीधा काम करे और उसके बॉडी से इतना अच्छे से डिटॉक्स हो चीज़ें कि उसका जो स्किन का कलर है वो अच्छा हो, बाल अच्छे हो, और वो मैं उसको बोलती थी कि यार पिक्चर मुझे थोड़ी सी ना स्माइल करके भेज, थोड़ा सा हैंडसम बन, थोड़ा सा इस तरीके से पोज कर, उस तरीके से पोज कर, सो स्किन अच्छी हो और उसके अलावा बाल अच्छे हों। बीच में हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया था तो उसको भी रोकना था। तो अब हम बात करेंगे यश की डाइट की। तो डाइट के अंदर मेरे बहुत सारे चैलेंजेस थे, कॉम्प्लेक्शन पे काम करना है, हेयरफॉल पे काम करना है और अच्छा खासा खाना भी खिलाना है। बच्चा है, ग्रोइंग एज है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन डी की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, नींद भी आनी चाहिए, उसको भूख भी नहीं लगनी चाहिए ताकि पढ़ाई में भी मन लगता रहे। सो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की, कि किस तरीके की डाइट हमने उस बच्चे को खिलाई है जिसकी हेल्प से उसका वेट लॉस हुआ है, वही डाइट आप भी कर सकते हैं। अगर आपको से विटामिन D3 की डेफिशिएंसीज हैं, कॉन्स्टिपेशन भी आपको रहता है, आप ये डाइट कर सकते हैं। बट अगर आपको PCOD का प्रॉब्लम है, आप ये डाइट मत कीजिएगा। सो एंड शुगर लेवल का भी, अगर आपका प्री डायबिटिक या डायबिटिक सिचुएशन है तो। सो अब हम बात करते हैं डाइट की। उससे पहले 3 मंत्रास या 4 मंत्रास, बेसिक मंत्रास जो कि हम फॉलो करेंगे बिफोर दिस डाइट। ए पार्ट, अपना वेट अपडेट, डेली का वेट अपडेट चेक करेंगे, या तो अपने वॉशरूम में एक बहुत अच्छी सी अलमीरा के पीछे कुछ कागज़ चिपका दो, डेट वाइज उस पर वेट अपडेट लिखते रहो, न्यू मेथड, ठीक है। या फिर किसी एक बंदे को पकड़ लो जो कि भाई साहब आपका डेली का वेट अपडेट ले सके और आपको क्वेश्चन कर सके। नंबर 3, वेट अपडेट चेक कैसे करना है। सुबह उठ के आपने वॉशरूम जाना है, आपका बाउल मूवमेंट क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा, जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स, चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन एंड राइट डाउन कि यार आज सुबह का वजन इतना है। पूरा एक ट्रैकर बना लो, पूरा ट्रैकर, जिस दिन चीट करते हो उसका भी ट्रैकर बना लो। अनदर पार्ट, नींद, ओवरथिंकिंग, जितने आपके आसपास के दोस्त लोग या फिर जितने भी आपने कबूतर कबूतरियां पाल रखी हैं कि जो आपको जंक खिलाने पे फोकस करे, जो आपको फोर्स करे कि यार आप जंक खाओ, जो आपको फोर्स करे कि यार तू क्या डाइट करता रहता है, करती रहती है, चल छोड़ना, एक ही लाइफ है, खा ले, वो लोग पतले हैं, उनको खाना नहीं लग रहा, आपको फूंक मारेंगे, हवा भी लगेगी, तो कृपया करके ऐसे प्राणियों से थोड़ा सा दूर रहो। रैदर देन इन लोगों के, आप उन लोगों के साथ अपने आप की दोस्ती बढ़ाओ जो आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं बहुत अच्छा कर रहा है यार, और अच्छा कर। ऐसे लोगों के साथ रहना जितने भी इस टाइप के प्राणी कबूतर कबूतरे हैं, उनको काटा मार देंगे। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, छोटे से बच्चे हो यार, जिंदगी अभी देखी नहीं है, ओवर थिंकिंग की दुकान बनना बंद कर दो। नंबर 4, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपका मील का डब्बा आप कैरी करो, बाहर से कुछ हेल्दी ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे वो एक कहते हैं ना एक्सक्यूज़ है, उसको छोड़ दो, अपनी डाइट मत खराब करो, डब्बा हमेशा कैरी करो। अब शुरू करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, और मॉर्निंग ड्रिंक के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, 7 से 7:30 बजे के बीच में मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर ना मैंने बहुत सारी मिक्स एंड मैच दी थी। अब एक ड्रिंक पिला के तो कोई बंदा किसी का भी 56 kg डाउन नहीं कर सकता। सो मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर हमने क्या दिया था उसको, सबसे पहले तो मैंने दिया था रेड जूस, मैक्सिमम टाइम रेड जूस। रेड जूस बहुत ही सिंपल है, मैं खुद पीती हूँ रेड जूस, आपको पता है इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी बारी पोस्ट करती हूँ। बीटरूट, कैरेट, अनार, आंवला, पालक, इन सब का जूसर में जूस निकाल के एक बड़ा ग्लास रेड जूस में मॉर्निंग ड्रिंक बच्चे को देती थी। उसके अलावा मैं देती थी ग्रीन जूस, क्योंकि मेरे को एक्ने बहुत ज़्यादा दिखते थे। सो घिया और करेले का जूस बनाना कैसे है, चलते हैं किचन में। सो हम बना रहे हैं ग्रीन जूस यहाँ पे मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। यहाँ पे मेरे पास है आधा घिया, ये होगा हमारा 1/2 किलो घिया, एंड ये है 2, मेरे पास करेला है, करेले के बीच मैंने निकाल दिए, स्किन मैंने नहीं निकाली है करेले के जूस में, इसमें सबसे ज़्यादा जूस करेले का होता है। सो स्किन हमें पील नहीं करनी है, स्किन को हमें रखना है, बीज हमने निकाल दिया, ये रहा मेरा जूसर। अब हम स्टार्ट करते हैं जूस बनाना। ये रहा मॉर्निंग ड्रिंक ग्रीन जूस। आई नो इट्स थोड़ा सा कड़वा, बट इट्स रियली गुड एक्ने के लिए और आपके गट के हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये 2 जूसेस मैं उसको यूजुअली देती रहती थी, कभी भी ऑल्टरनेट डे, कभी डेली बेसिस पे। उसके अलावा अनदर पार्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने बच्चे को क्या दिया था, सोक्ड वाटर,
कभी कभार बीच बीच में जीरा का पानी दे दिया, तेज पत्ते का पानी दे दिया, इलायची का सोप पानी दे दिया, लौंग का सोप पानी दे दिया। अगर मुझे लगता है कि एक्ने और ज़्यादा आ रहे हैं और सीजन चेंज हो रहा है, फिर मैंने जूस दे दिया। सो मिक्स एंड मैच करके डाइट चल रही थी। अनदर पार्ट आता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर ना मैं चाहती थी कि बच्चा ना कहीं पे भी बाहर निकल रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो मेक श्योर कि ये बच्चा जो है अपना खाना जो है खा के निकले घर से। कि अगर खाना भूखा घर से पेट बाहर निकलेगा तो इसको भूख लगेगी, डब्बा कैरी होगा नहीं, कुछ भी चटर पटर खाएगा। सो सबसे पहली चीज़ मैंने इसे ब्रेकफास्ट ना हैवी दिया था। ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने इसको वेराइटीज़ ऑफ चपाती दी थी। मेरे चैनल पे बतेरी मैंने चपातियाँ पोस्ट कर रखी है, प्याज और तिल की रोटी पोस्ट कर रखी है, मैंने पालक और मेथी की रोटी पोस्ट कर रखी है, मक्की की, बाजरे की, मिस्सी रोटी पोस्ट कर रखी है, बार्ले की रोटी पोस्ट कर रखी है, ओट्स की रोटी पोस्ट कर रखी है। वेराइटीज़ ऑफ रोटी मैंने दी थी सब्जी के साथ, और मैंने इसको बोला था अपनी दूध वाली चाय, कॉफ़ी, मिल्क जो लेना है तुम लो, बट भर के, एकदम प्लेट भर के रच के अपना नाश्ता करके जाओ। 2 से 2.5 रोटी आप खाओ, रोटियों पे घी भी लगा के खाओ। कभी कभार अगर उसको रोटी खाने का मन नहीं होता तो मैं उसे चीला ही देती थी। वेराइटीज़ ऑफ चीलास मेरे चैनल पर, मैं कोई सा भी चीला उसको दे देती थी कि ये खाओ। सेम आप लोगों ने करना है, घर से कभी भी खाली पेट बिना नाश्ते के मत निकलना। मेरे कहने के मतलब ये भी है कि इससे एक तो बरकत नहीं होती है, दूसरा आपके काम नहीं बनते हैं मुझे ऐसा लगता है, तीसरी चीज़ लक्ष्मी माता भी नाराज़ होती है, चौथी चीज़ पूरा दिन ना किच 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 करके निकलता है। शांति से ब्रेकफास्ट करके फिर ही निकलो, कितने मर्जी लेट हो रहे हो, रास्ते में धक्के खाते हुए नाश्ता मत करो। अब बात करती हूँ मैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने इस बच्चे को बहुत ही कम मीठा दिया है। जैसे मैं बहुत सारे लड्डूस बनाती हूँ, मैंने वो लड्डूस इस बच्चे को नहीं दिए। मैंने कोई भी एक फ्रूट पिक करके दे दिया कि यार या तो खीरा खा ले, मूली खा ले, गाजर खा ले, कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा ले, वो भी चलेगा। अब बात करती हूँ मैं लंच की। नाउ लंच का टाइमिंग मैंने इसे दिया था 12:30 से 2 बजे के बीच में, लंच ख़त्म कर लेना। लंच में मैंने इस बच्चे को दिया था खाता पीता हाई प्रोटीन खिचड़ियाँ, ये खिचड़ियों की रेसिपीज। उसके अलावा मैंने इसे कई बार खिलाया है दिस न्यूट्री पुलाव। न्यूट्री पुलाव की रेसिपी क्या है वो है, चलते हैं किचन में बनाते हैं न्यूट्री पुलाव। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं न्यूट्री पुलाव। ये रहा तेल, मैंने डाला कुकर में, कुकर मेरा गर्म हो रहा है। नेक्स्ट सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी मेरा जीरा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले प्याज। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे गाजर। नेक्स्ट बीन। नेक्स्ट थोड़े से मटर। ये रही मेरी पास न्यूट्री, ये मैंने इसमें पानी में सोक करके रखी थी, और ये अब मैं इसमें डाल दूंगी निचोड़ कर। बहुत सारी न्यूट्री मैंने सोक करी है, आधे घंटे में ही हो गई थी ये कवर, और ये हम इसमें डाल देंगे। सब्जियाँ देखिए कितनी सारी डाली हैं मैंने। नेक्स्ट मेरे पास है 1 गिलास वाइट राइस वॉश किए हुए, वाइट राइस यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा सबसे पहले नमक, ये डाल दिया मैंने इसमें सॉल्ट। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी मेरा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हिंग पाउडर। नेक्स्ट थोड़ी सी मेरी कस्तूरी मेथी, एंड इसके अंदर अब यहाँ पे मेरे पास है पानी। 1 गिलास मैंने राइस लिया क्योंकि 3 लोगों का बन रहा है, सो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डालूंगी। ये है 1 गिलास। और ये रहा 1 और गिलास। परफेक्ट। ओके, okay.
अब हम इसको विसल लगाएंगे। फर्स्ट विसल होगी तेज आंच पे, बाकी की दो विसल होगी सिम आंच पर। ओके, सो ये रहे हमारे राइस, बहुत ही गर्म है। एंड ये हम लेंगे लंच में विद रायता और सिंपल रायता। एंड ये रहे हमारे हरा धनिया थोड़ा सा। एंड दिस इज रेडी। ओके, नेक्स्ट, अगर बच्चे को कभी भी न्यूट्री पुलाव या खिचड़ी खाने का मन नहीं है, सो मैं उसे देती थी रायते, खीरे का रायता, बीट रूट का रायता। और ये लंच में कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। ओके, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं लंच। लंच में हमारे को बनाना है खीरे का रायता। ये रही हमारे पास दही, दही को हमने ले लिया बाउल में, इसको खूब अच्छे से दही को हम फेंट देंगे। एक कटोरी दही मैंने यहाँ पे लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच जितना पानी। ओके, नेक्स्ट अब इसके अंदर हम डालेंगे मेरा कद्दूकस किया हुआ खीरा, इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डालना है सॉल्ट। कोशिश करना आप बिना नमक के रह सको तो ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत हल्का सा नमक। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा भुना हुआ जीरे का पाउडर। नेक्स्ट थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें मेरी कस्तूरी मेथी एंड थोड़े से मेरे पास अनार। अनार ऑप्शनल है बट इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट आता है इसका। एंड ये रहा हमारा खीरे का रायता, लंच बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे बीटरूट रायता। ये मेरे पास है एक कटोरी दही। अब इसको बहुत अच्छे से पहले हम फेंटेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी पानी 2 से 3 चम्मच। खूब अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगी पानी को। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ आधा बीटरूट। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, हमें थिक रायता नहीं बनाना। इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर किया हमने अच्छे से मिक्स। एंड दिस इज रेडी। वेलकम बैक। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई थी यश की वेट लॉस जर्नी में कि वेट स्टक हो गया, जा नहीं रहा। बड़े लंबे समय से हम डाइट कर रहे हैं, लास्ट का बॉडी वेट है, स्टक है, जा ही नहीं रहा, और भूखा भी नहीं रखना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जाएगी, टिक्कीज। सो हाई प्रोटीन्स जितनी भी टिक्कीज मेरे चैनल पे रेसिपीज हैं मैंने वो भी दी इसको। बट लंच में फिर वेट स्टक हो गया, अब लास्ट का बॉडी वेट है वो जा ही नहीं रहा। फिर हम आ गए जी स्मूदीज पे और चिया सीड पुडिंग्स पे, मैंने वो भी दी इसको। फिर थोड़ा थोड़ा वेट गिरा, फिर स्टक हो गया, फिर नहीं जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने इसको बच्चे को लंच में सैलेड्स भी दी, बहुत सारी सैलेड्स मेरे चैनल पे है वो भी दी। फिर उसके बाद फिर वेट स्टक हो गया, नहीं जा रहा। तो कभी कभार मैंने इसको लंच में सिर्फ जूसेस पे भी रखा कि 2-3-4 दिन जूसेस पे भी रहो। मतलब कि मैंने हर एक, कोई एक पर्सन पे पूरा काम करता है ना, तो मैंने इस पर पूरा काम पूरा निपटाया है कि हर एक एक तासाम डाम दंड भेद सब लगाए हैं कि भैया तेरा वेट नीचे चाहिए ही चाहिए। दो अभी यश वेट मेंटेनेंस पे है। अब बात करते हैं, ये तो सारी की सारी लंच की कहानी, अब बात करेंगे हम इवनिंग टी पे। इवनिंग टी पे मैंने कई बार इसको बच्चे को देखा है कि इसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इतना सारा वेट निकला है और मैं चाहती थी कि ग्रोइंग स्टेज है, बच्चे के बाल बचे रहे, हेयर फॉल इतना देखे ना, और हेयर फॉल की गोलियां नहीं जानी चाहिए। सो इवनिंग ड्रिंक पहले यूजुअली इनिशियल स्टेज पे मैंने बच्चे को खिलाई पिलाई, बट जब मेरे को लगा कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तब मैंने यश का ग्रीन टी
इवनिंग टी, इंच लॉस टी, हर टाइप का टी बंद कर दिया। मैंने इसको किसी भी टाइप का टी नहीं दिया। इवनिंग में मैं इसे नट्स दे देती थी, या फिर चीज़ का थोड़ा सा स्लाइस दे दिया, या फिर मैंने इसको भुना हुआ चना दे दिया, या फिर सोक्ड आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, और अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो थोड़ी बहुत सलाद दे दी कि बीट रूट खा ले, खीरा प्याज टमाटर खा ले। इस तरीके से हमने इवनिंग का चीज़ रखा था। अदरवाइज स्टार्टिंग की स्टेज पे हमने इसे 32 इंच लॉस टी पिलाई है, 32 पाइनएप्पल पील टी, मेरे चैनल पे रेसिपीज है, पील टी, पोमीग्रेनेट टी, अनार के छिलके की टी, 32 टीज मैंने बच्चे को पिलाई है। अब हम बात करते हैं डिनर की। तो स्टार्टिंग के जो हमारे वेट था ना, स्टार्टिंग का जो शुरुआत का था, उसमें हाई प्रोटीन चलता था डिनर में। पनीर का सलाद, दालों का सलाद, स्प्राउट सलाद, या फिर हाई प्रोटीन टिक्कीज। बट जब हमारे को लगा कि लास्ट का बॉडी वेट है ये 10 किलो, ये नहीं जा रहा, इसमें मेहनत बहुत तगड़ी लग रही है, तब हम ले आए थे अपने डिनर का मेन्यू को बहुत ही लो कार्ब और बहुत ही लो प्रोटीन पे, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि लास्ट का बॉडी वेट था। समटाइम्स मैंने उसमें इसको जूसेस दिए हैं, समटाइम्स मैंने इसको सूप दिए हैं, समटाइम्स मैंने इसको सिर्फ पनीर और तोफू खिलाया है। फिर उसके बाद जब मुझे लगता था कि हाँ वेट अब जा रहा है, ठीक है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, फिर मैंने इसको फिर हाई प्रोटीन की दालें और पनीर की सलादों पे डाल दिया। इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके हमने चीज़ें दी हैं। रात को सोने से पहले 90% मैंने इस बच्चे को दिया है हल्दी वाला दूध। 90% मैंने इस बच्चे को दिया है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध हो गया, केसर वाला दूध हो गया, शीरे हो गए बतेरे, ताकि वो बच्चा ना चैन से सो पाए। जब कोई बंदा डाइट करता है ना, उसका वज़न अगली सुबह नहीं गिरता, तो वो इरिटेट चिड़चिड़ करता है, यार मेरा वेट नहीं गिर रहा, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और जब कोई बंदा डाइट नहीं करता ना, उसका वज़न 2 महीना ना गिरे, वो चिल बैठा रहेगा। अरे उसको भी पता है कि यार मैं डाइट नहीं कर रहा या कर रही। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये तो मैंने डाइट आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया। अगर आप लोगों को यश का डाइट पूरा एक कस्टमाइज करके कागज़ पे, जिस तरीके से वैलेंटाइन का मैंने निकाला था, अगर वो चाहिए तो मुझे लीव अ कमेंट। मैं 4 से 5 वीक का जो डाइट का पूरा सिस्टमाइज करके मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि हम बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। जो हमारा वैलेंटाइन का प्लान गया था, दैट वॉज अमेजिंग। मेरे इतने सारे कॉमेंट्स आए हैं, मैंने सारे कॉमेंट्स पोस्ट करे हैं दिस कम्युनिटी पोस्ट पे, आप जाके चेक कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ गई, ये जो लोग मुझे पे करते हैं, मेरे क्लाइंट्स पे करके भी इतने ड्रामेबाज लोग निकलते हैं, आई स्वेयर। कुछ कुछ लोगों तो अभी बीच में, एक नेहा का मैंने रिफंड करा है, अक्टूबर से वो बंदी मेरे बैच में है, मैं उसका नाम भी बोलने के लिए यहाँ पे ओके हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में उसने मुझे जो ग्रिल कराया, एंड में मैंने उसे बोला तेरा वेट नहीं जा रहा, टॉक टू मी एवरी डे बिफोर गोइंग फॉर अ स्लीप। उससे मैं रोज़ बात कर रही हूँ, 12 बजे, 11:30 बजे, 10 बजे, उससे पूरा दिन का पूछ रही हूँ, यार तेरा दिन ठीक गया, तूने कुछ चीट तो नहीं करा। तब से मस नहीं हो रही है, वो डीट इंसान। मैंने एंड में 5 महीने की मेहनत के अपने पूरे पैसे, GST भी मैंने जेब से उसको रिफंड करे हैं। भाई तू अपने पैसे रख, मेरा बैग छोड़। उसका प्रॉपर मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, एक है, और मैंने उससे इतनी रूडली बात करी मेरी लास्ट कॉन्वर्जेशन में, आई वॉज लाइक कि मेरा पेशेंस चेक कर लिया उस बंदी ने, और मैं इतना ब्लास्ट होके उस पर लाउड हुई हूँ, ब्लास्ट होके। बट ऐसे लोग भी होते हैं, और यहाँ पे आप लोग भी हो, हु जस्ट पेड 499 रुपीज, एंड लोग हफ्ते में लूज कर गए 2.5 किलो, 3 किलो, और बहुत अच्छे से चल रही है चीज़ें। मैं चाहती हूँ ये रिदम ना बनी रहे, और मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोगों के इतने सारे मेरे पास बिफोर आफ्टर आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि आई जस्ट लव यू ऑल, मेरी मतलब 5-5, 6-6 किस्सी। सो ये चीज़ें हमारी चल रही हैं। सो अभी हम टीम के साथ वर्क करें कि किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। सो ये था यश का प्लान। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें समझ आई। एंड मैं चाहती हूँ आप सब लोग फिट रहो, हेल्दी रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, एंड अच्छे से अपना वैलेंटाइन मनाओ। एंड मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको, परसों एक बहुत अच्छे से मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगी, बहुत अच्छे से डिटॉक्स वाटर के, या फिर कुछ न्यू रेसिपीज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना खूब सारा ध्यान रखना, एंड आई रियली लव यू ऑल, आई लव यू।